बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर तमाम नाज़रीन सामीन को खुश आमदीद और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये रमज़ान शरीफ का महीना, जिस तरह आपने पहले बयान फरमाया कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बरकतें और रहमतें रखी हैं, तो इस महीने का एहतराम भी हम पे लाज़म है कि हम इस महीने के जो लम्हात हैं उनको ज़ाया न करें और इस माह मुकद्दसा की सातों से कमा को इस्तिफादा करें। तो इस माह मुकद्दसा के आदाब क्या हैं और किस तरीके से हमें ये महीना, मुबारक महीना गुजारना चाहिए? जी कि मतलब कुरान जहाँ फजीलत बयान कर रहा है, मोमिनीन की खूबियाँ बयान कर रहा है, वस्साइमीन वस्साइमात सूरह अहज़ाब में, तो इस आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है वअअद्दा लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला ने इन खूबियों के मालिक जो नमाज पढ़ते हैं और बिलखसूस रोज़े का एहतमाम करते हैं ख़वातीन व हज़रात, उनके लिए जन्नत तैयार की है, वह मग़फिरतन बख्शिश है, वअअद्दा लहुम अजरन अज़ीमा, अल्लाह फरमाता है कि मैंने उनके लिए अजर अज़ीम। और ये जो अज़ीम है, ये फ़ाइल उनके वज़न पर है, इसमें मुबालगा है, तफजील है, बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह की जानब से। और ये भी याद रखें, जिसको खुदा की ज़ात बड़ा कहे वो इतना बड़ा होता है कि जो हमारे वहम गुमान में नहीं आता। जो बात आपने की, रमज़ान की बरकतें हैं, नेकी का सवाब, आम नेकी का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। लेकिन याद रखें, हम रमज़ान की इन मुकद्दस और बाबरकत सातों के मिसदाक तभी हो सकते हैं कि हम रमज़ान का अहतमाम और उसका एहतराम फरमाएं। उसकी फजीलतें हमें तब हासिल हो सकती हैं कि हम रमज़ान की जो मुकद्दस सातें हैं उनका जो है, जो कुरान और हदीस में हमें बताया गया है कि उसका हमने एहतराम करना है। बल्कि या मैं एक रवायत नुज़ुल मजालिस के हवाले से, एक यहूदी मजूसी के हवाले से बताना चाहूँगा कि एक मजूसी का लड़का था, रमज़ान में वो सरेआम खा रहा था खाना, तो उस मजूसी ने उसको डांटा, ज़र्दकोब किया, चांटा लगाया कि तुम्हें पता नहीं है कि ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, रमज़ान का महीना है, जिसमें वो दिन के वक़्त खाते नहीं हैं, रोज़े से होते हैं, तुम इस तरह सरेआम खा रहे हो, तुम रमज़ान का एहतराम नहीं कर रहे। तो उस मजूसी को बाद मरने के एक बुज़ुर्ग ने ख़्वाब में देखा कि वो मजूसी जहन्नत में एक जन्नत में एक माल में टहल रहा है। तो पूछा गया कि तुम तो मजूसी थे, मुसलमान नहीं थे, तो जन्नत में कैसे? तो मजूसी कहने लगा कि मैं इस वजह से जन्नत में आया हूँ कि जब मैंने अपने बच्चे को रमज़ान का एहतराम ना करने की वजह से दुनिया में उसको डांटा था, अल्लाह ने मरने से कबल मुझे कलमे की तौफीक अता फरमाई थी, तो मैंने कलमा पढ़ लिया था। तो अगर एक मजूसी रमज़ान का इतना सा एहतराम कर दे तो अल्लाह ताला उसको बख्शिश अता फरमा के जन्नत अता फरमा दे, तो हम अगर कलमा को इसकी अहमियत समझते हुए इसका एहतराम करेंगे तो हमें कितनी जो है वो अजर मिलेगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो शख्स भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन लघवियात से नहीं बचता, हदीस का मफहूम ये है, तो उसका रोज़ा माज ये भूखा और प्यासा रहना है, उसको रोज़े की फजीलतें हासिल नहीं होगी। तो आज क्योंकि रमज़ान का पहला दिन है, बाकी अय्याम आगे मुकद्दसा आएंगे, हमने उसकी फजीलतें हासिल करनी है, लेकिन हमने रमज़ान में तरावीह का तमाम करना है, दिन के टाइम हमने रोज़ा रखना है, और जितने नए काम हैं, कुरान की तलावत है, दुरूशी पढ़ना है, लोगों की इमदाद करनी है, इफ्तारी करवानी है या कुरान की तलावत करनी है, ये काम करके, ना कि जैसा कि आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि क्रिकेट खेला जा रहा होता है, कहीं पे लूडो खेली जा रही होती है, कहीं पे ताश के पत्ते उछाले जा रहे होते हैं। रमज़ान की मुकद्दस सातों को इन लघवियात और लहो लाभ में गुजारा जा रहा होता है। याद रखें, जैसे रमज़ान में नेकी का सवाब ज़्यादा है, ऐसे उसमें गुनाह बुराई का जो है वो आपको सज़ा भी ज़्यादा मिलनी है। तो हमें रमज़ान की इन मुकद्दस
बाबरकतों का जो उसके लम्हात हैं उसका अजर व सवाब तब मिलेगा कि हम जब बिल्कुल रमज़ान के मुकद्दसातों का अहतमाम और उसका एहतराम करेंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमज़ान और उसके रोज़े के मतलब इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रज़ा के लिए रमज़ान का रोज़ा रखता है, गालबन ये मुसनद अबू याला की रवायत है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं कि जितना एक कौवा बचपने से ले के बूढ़ा होने तक मरने तक उड़ता है, जितनी मुसाफत वो अपनी सारी उम्र में तय करता है, अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं। तो कितनी बेशुमार इसकी रमज़ान की फजीलतें हैं। तो फजीलतों का जो हमें मिसदाक बनना चाहिए ना कि बल्कि ये बुखारी की हदीस है, आकर सल्लम एक दफ़ा आप अपने मिंबर पे तशरीफ़ ले गए तो आपने मिंबर के पहले उस पे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हमने पहले इससे कभी ये माजरा नहीं देखा कि आपने मिंबर पे तशरीफ़ ले जाते हुए आमीन 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 फरमाया हो। तो हुजूर ने फरमाया, जबरील आप फरमा रहे थे या रसूलल्लाह, जिसने अपने वालदेन को बुढ़ापे में पाया, दोनों को या एक को, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की तो वो बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद न पड़े वो बर्बाद हो। मैंने कहा आमीन। और फिर तीसरी बात जो हमारे मौजू के मुतल्लिक है, रमज़ान के मुतल्लिक, जबरील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जो शख्स रमज़ान पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो शख्स बर्बाद हो। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। तो यानी रमज़ान की बरकत हासिल करेंगे तो अजर मिलेगा, और इसी तरह अगर रमज़ान की बरकात को, इन मुकद्दस अय्याम को हम लगवियात पे लाओ लाभ में खेलेंगे तो हमारे लिए दुगना तिकना इसमें जो है सज़ा भी हमें जो है वो मिलेगी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रमज़ान के मुतल्लक, उसके रोज़े के मुतल्लक जो इरशाद फरमाया गया है उसकी बेसिक को हमने देखना है। या अय्युहल लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ों को फ़र्ज़ करने का मकसद वो तकवा का हुसूल है, और तकवा तब मुमकिन है कि जब हम लगवियात से, बुराइयों से बचेंगे और नेकी को है जो वो अपनाएंगे। अल्लाह हमें नेकियां जो है वो अख्तियार करने की और बुराइयों से बचने की तौफीक अता करे। बेशक क़िबला मुफ्ती साहब, आपने बड़े आम नुकात की तरफ इशारा किया कि जिस तरह रमज़ान शरीफ की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसमें अमाल का अजर बहुत ज़्यादा है, तो इस माह मुकद्दसा में अगर कोई गुनाह का इर्तिकाब करता है या इस माह मुकद्दसा का एहतराम नहीं करता, अदब नहीं करता, तो उस पर वईद भी बड़ी सख्त है। जिस तरह ये जो हदीस आपने सुनाई कि हज़रत जिब्रील अमीन उस शख्स के लिए हलाकत की दुआ करते हैं और हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन इरशाद फरमाते हैं, तो गोया जो इस माह मुकद्दसा की इन मुबारक सातों को ज़ाया कर देते हैं, इसमें अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि उनके बारे में जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो हलाकत की दुआ करते हैं और इमामुल अंबिया उस दुआ पर आमीन इरशाद फरमाते हैं। अब हम आसम एजाज साहब की तरफ पढ़ते हैं और आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप हमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाएं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो
ही बलते हैं जोलियां सब की, वो समझते हैं बोलियां सब की, वो ही बलते हैं जोलियां सब की। आओ बाजारे मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजारे मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और आप करते हैं जब मसीहाई, आप देते हैं इज़्ने गोयाई। आप करते हैं जब मसीहाई, आप देते हैं इज़्ने गोयाई। तो संगरेज़े कलाम करते हैं, जिंदगी के चराग जलते हैं। संगरेज़े कलाम करते हैं, जिंदगी के चराग जलते हैं। जिक्रे सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद। जिक्रे सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद। ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं।
ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। माशाल्लाह, बहुत लुत्फ आया आपने, बहुत खूबसूरत अंदाज पे बहुत खूबसूरत कलाम सरकार की बारगाह में पेश किया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक के बकिया अय्याम में भी जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वह हमें इस मुकद्दस महीने का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह करीम इस माह मुकद्दसा में हमें अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए और सच्चे दिल से हम सबको तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने मेहमानों का मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको दुनिया व आखरत की इज्जत साथी और खैर नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़ल और एहसान है जिसने हमें एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की इन बहारों से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फरमाया। आत्म न्यूज़ ने रमज़ान शरीफ के इन बाबरकत लम्हात में रमज़ान ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है, और जमाल रमज़ान के इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ मजहबी स्कॉलर, नौजवान आलम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के एक मारूफ़ सना खां जनाब मोहम्मद आसम एजाज साहब, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ़ का नजराना पेश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना रब्बे कायनात ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं, इसको फजीलतें अता फरमाई हैं, और इस माह मुकद्दसा में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की फजीलत को कुरान मजीद में बयान फरमाया, और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने की अज़मतों और फजीलतों को अपनी अहादीस में बयान फरमाया। हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ जनाब मुफ्ती साहब से इनके साथ आगाज़ करेंगे, और आपकी खिदमत में
ये अर्ज़ है कि आप रमज़ान शरीफ की फजीलत जो रब कायनात ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी से मुबारक में जो रमज़ान शरीफ की फजीलत को बयान फरमाया उससे हमें आगाह फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين। सबसे पहले तो किबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आपका और हक में उसका शुक्रिया कि आपने रमज़ान की बाबरकत इन लम्हात में मुझे इनवाइट किया है और इस अजीम मौजू पर और माह रमज़ान जो मुक़दस महीना है इसके हवाले से गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो लारैब किताब है और क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, इसमें खालिक़े कायनात रमज़ान शरीफ के हवाले से फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान का नुज़ूल फरमाया, हुदल लिन्नास जो लोगों के लिए हदायत का एक ज़रिया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुरान की आयतों को आपने अपनी हयात मुबारक में अपने किरदार से और अपने अकवाल से उनकी तशरीफ़ फरमाई है। तो रमज़ान की जो आयात हैं या रमज़ान के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो तौज़ीह या तशरीह या डिटेल बयान फरमाई हैं उस हवाले से आपने रमज़ान से एक दिन कबल शाबान के आखिरी दिन एक खुतबा इरशाद फरमाया है जो बड़ा मशहूर मरूफ है, जिसको हज़रत इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सही में, हज़रत इमाम मुंज़री ने अत्तरगीब व तरहीब में और इमाम बाहकी ने शोबल ईमान में रवायत किया है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से एक दिन कबल सहाबा के मजमे में रमज़ान शरीफ की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम पर एक अजीम शान बरकतों और अज़मतों वाला एक महीना साया फिगन है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी अजमत अता फरमाई है कि उसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मज़ीद उसकी अजमत बयान करते हुए फरमाया, ये वो महीना है कि अल्लाह ने जिसके रोज़ों को तुम पे फ़र्ज़ कर दिया है और उसके क़याम रात को जो तुमने क़याम करना है वो तुम्हारे लिए नफल कर दिया है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस माह मुकद्दस में आम नेकी करेगा उस नेकी का सवाब उसको रमज़ान के अलावा महीनों में फ़र्ज की अदायगी जितना सवाब मिलेगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस महीने में फ़र्ज अदा करेगा उसको रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में 70 मरतबा फ़र्ज की अदायगी करने जितना सवाब मिलेगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, शहरु सब्र, ये रमज़ान का जो मुकद्दस और बरकतों वाला महीना है ये सब्र का महीना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने सब्र के मुतल्लक इरशाद फरमाया, व जज़ाउहु अलजन्ना, इस सब्र की जो जज़ा है वो जन्नत है। और बिलखुसूस किबला शाह जी में ये जो हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं इस हवाले से अगर और रमज़ान के जो फजीलत हुजूर ने बयान फरमाई है सब्र के हवाले से इसको सामने रखा जाए तो हमें सब्र जो है उसकी हदायत और उसका अजर हमारे सामने हुजूर ने बयान फरमाया कि वह जज़ाउहु अलजन्ना, सब्र करेंगे तो उसकी जज़ा जन्नत मिलेगी। और यहाँ मैं एक और आका अलैहिस्सलाम का इरशाद कोट करता चलूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को जितनी भलाइयाँ अता फरमाई हैं उनमें अगर सबसे अहम भलाई को देखा जाए तो वो बनी नौ इंसान को दिया जाने वाला सब्र है कि वो हर मुश्किल में, हर जो है वो रंज में अगर सब्र का दामन थामेगा तो अल्लाह उसको जज़ा अता फरमाएगा। उसके साथ आका अलैहिस्सलाम ने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए अपने तवील खुतबे में ये इरशाद फरमाया, व शहरुल मवासात, ये जो रमज़ान का महीना तुम्हारे पास आने वाला है ये भलाई का, गमगुसारी का, एक दूसरे के साथ जो है वो मदद करने का, भलाई करने का महीना है।
پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طویل اس خطبے میں آگے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت کے ساتھ اس کے کام میں، اس کے ڈیوٹی میں تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس شخص کے گناہ معاف فرماتے ہوئے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ نکلیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں افطاری کے متعلق ارشادات فرمائے، ظاہر رمضان کے مہینے میں انسان خود بھی افطار کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو افطار بھی کرواتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فرط فیہ صائماً، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طویل خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، اسے بخشش فرمائیں گے، اس کے لیے برات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو روزہ افطار کروائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے قیامت تک نگاہ دوڑائی اور دیکھا آج میرے صحابہ اتنی وسعت نہیں رکھتے مالی طور پہ، اور قیامت تک آنے والے میرے غلام بھی ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو سیر ہو کے روزہ افطار کروائیں، تو حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے گا یا روزہ افطار کروائے گا، اس شخص کے لیے بھی اللہ نے یہ اجر رکھا ہے کہ جو پانی کے ایک قطرے، دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور کے ذریعے کسی شخص کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی کر پروانہ لکھ دیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس طویل خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو رمضان میں سیر ہو کے کھانا کھلائے گا تو حوض کوثر پہ میں اسے ایک ایسا جام عطا کروں گا کہ قیامت تک، آخرت میں جب وہ حشر کا سارے جو ہے حشر ہوگا، میزان ہوگا، پلسرات ہوگا، ایک دفعہ وہ کوثر کا جام پی لے گا، آخر تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اتنی آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے رمضان کی جو ہیں وہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات بیان کر کے اس پہ عمل کرنی چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے رمضان کے حوالے سے ایک زبردست حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ بخاری میں ہے غالباً، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح رمضان شریف کے حوالے سے نسائی شریف میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کچھ تشریحات بیان فرمائی ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے سے کیا مراد ہے، شیطان کو بند کرنے یا جکڑنے سے کیا مراد ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ رمضان کا برکتوں والا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اتنی نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان شریف کی فضیلت بھی بیان کی، اس کی عظمت بھی بیان کی، اور پھر اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کی جن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ انشاءاللہ گفتگو آگے جاری رہے گی، ابھی ہم عاصم اعجاز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔
जहाँ आपकी हुरमत पे लौटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, कि ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है। पैगाम सुनाती है हमें आया ये तत्हीर, पैगाम सुनाती है हमें आया ये तत्हीर, के पाकी तो मोहम्मद के घराने के लिए है, पाकी मेरे आका के घराने के लिए है। हम उम्मती उनके तो कैसे रहे महरूम, हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका करम सारे जमाने के लिए है, जब उन का करम सारे जमाने के लिए है। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है, पाकी मेरे आका के घराने के लिए है। माशाल्लाह मोहम्मद आसम एजाज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत खूबसूरत कलाम सरकार की बारगाह में पेश कर रहे थे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस लौटेंगे तो इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।